अमिता अमिता अमिता, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मुझे कहीं जाना है, बाद में बात करते। अच्छा सुनो सुनो, मम्मी की तबीयत कैसी है? अब वो ठीक है, आप परेशान मत होइए, मैं जाऊं। अमिता रिलैक्स, क्या बात है, अभी इतनी परेशान क्यों लग रही है? सब ठीक है ना? अमित मैं ठीक हूँ, मैं जाऊं। हाँ लेकिन सुनो, कहाँ जा रही है? वो मैं महेश भाई के दुकान पर, वो लालाजी के गहने लेने हैं ना, मम्मी जी ने पॉलिश करने के लिए दिए थे। हाँ लेकिन आप अकेले कैसे जाएंगे? ये मेडिसिन मम्मी को देकर आता हूँ, दोनों साथ में चलते हैं। क्यों, आपको मुझ पे इतना विश्वास नहीं है? नहीं मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। आप वैसे ही मुझसे बात नहीं करते तो साथ में आकर क्या करेंगे? रहने दीजिए, थैंक यू। अमिता रुको, अमिता मेरी बात सुन। सॉरी कान्हा, मुझे अपने पति से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी, पर मैं क्या करती, उन्हें अपने साथ भी तो नहीं ले जा सकती ना। सॉरी अम्मा। यस मैडम। आप महेश भाई की बेटे हैं? जी नहीं, मैनेजर हूँ मैं, बताइए। अच्छा हाँ, वो मेरी मम्मी जी, मेरा मतलब है मिसेस फाल्गुनी शाह आई थी लाला जी के गहने लेने के। अरे पहले आपकी सास आई थी, अभी आप आई है, कल कौन आने वाला है? बेशर्मी की भी हद होती है। आप हंस रहे, आपको ये सब मजाक लग रहा है? आपके वजह से उनका ब्लड प्रेशर हाई हो गया, उनकी तबीयत खराब हो गई और अब ये क्या कह रहे हैं? देखिए मेरे कहने का, आप चुप रहिए। आप जानते हैं उन पर क्या बीती? ये हमारे घर के पुश्तैनी गहने, ये हम लाला जी को पहनाते, कोई सादा सोना नहीं, पर उनकी इज्जत दांव पे लगी। और उनकी गलती क्या थी? यही ना कि उन्होंने महेश भाई पे भरोसा किया और बिना रसीद के ये गहने इतने कीमती वाले आपको दे दिए, और आप लोगों ने क्या किया? कौन है मैडम, क्या कह रही है? ये फाल्गुनी शाह की बहू है, ये महेश भाई के बेटे। देखिए आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज ऐसे मत कीजिए, पर हो सकता है आपके मन में एक पल के लिए खोट आ गया हो, पर लाला जी आपको माफ कर देंगे, और मैं भी किसी को नहीं कहूंगी, प्लीज प्लीज गहने दे दीजिए। आप क्या कह रही है, कल मैंने आपकी सासू माँ को भी समझाया था और आज मैं आपको ही बता रहा हूँ, हमारे पास ऐसे कोई गहने नहीं है। देखिए अगर आप यहाँ से नहीं गए ना तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा। क्या आप मुझे पुलिस की धमकी दे रहे? पुलिस तो आपको ले जाएगी, लाला जी के गहने थे वो, पाप लगेगा आपको। अब जाइए यहाँ से। हाय कान्हा, अब क्या होगा? पापा सुनो, एक बहुत बड़ी मुसीबत हो गई है। अरे फालू, अमिता बाजार गई है, कोई जंग में नहीं गई है कि इतनी परेशान हो रही है तू? ना आराम कर रही है, ना कुछ खा पी रही है तू? अरे अमिता समझदार लड़की है बेटा, वो आ जाएगी। हाँ मम्मी, मैं जानती हूँ अमिता समझदार लड़की है। फिर इतनी परेशान क्यों? फालू क्या बात है, देख मैं तेरी माँ हूँ, मुझे बता दे। मम्मी पता नहीं मुझे आज बहुत डर लग रहा है। किस बात का डर लग रहा है? मम्मी मैंने आज तक इस परिवार को, इस परिवार की जरूरतों को खुद से पहले रखा है, अपनी वजह से कभी इस परिवार को कोई दुख कोई चोट नहीं पहुंचने दी। मुझे डर लग रहा है मम्मी कि कहीं मेरी गलती की वजह से मेरे परिवार को चोट ना पहुंचे। किसे दुख होगा, किसे चोट लग रही है, तू तो क्या बोल रही है, मेरी तो कुछ समझ में नहीं रहा है बेटा, क्या बात है? कहीं नहीं मम्मी, तबीयत खराब छे। तबीयत खराब है ना तो मुझे खुद को भी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोल रही हूँ। छोड़ो ना मम्मी, चलिए बाहर चलते हैं। रमेश तुमने अमिता को बीच रास्ते में कैसे छोड़ दिया? सर मैंने तो वहाँ रुकने की बहुत कोशिश की मगर उन्होंने मुझे वापस भेज दिया। वो खुद कहाँ चली गई? सर वो कह रही थी कि उन्हें बाजार में कुछ और काम है। ठीक है तुम जाओ।
आप सब लोग परेशान क्यों हो? वो भाभी अमिताभ गहने लेने गई थी वो गहनों की दुकान में, लेकिन उसने ड्राइवर को भेज दिया, खुद नहीं आई और फोन भी नहीं लग रहा है उसका। क्या मम्मी, आप जाकर रूम में आराम कीजिए, आपकी तबीयत खराब है ना। पर अमिता काम से गई, आ जाएगी। नहीं, मैं ठीक हूँ। वैसे लालजी पूजा स्थापना के लिए गहने लाने से ज्यादा जरूरी और क्या काम हो सकता है अमिता के पास? आ गया होगा कोई काम उसे जरूरी। आप तो बस हमेशा मुझे गलत समझती रहती है भाभी, मैं तो फिक्र से कह रही हूँ, मुझे चिंता हो रही है उसकी। हेलो, फिक्र तो मुझे भी हो रही है, अकेली लड़की इतने गहनों के साथ बाहर गई है तो डर तो लगेगा ही। हाँ, ऊपर से गाड़ी भी वापस भेज दी। मम्मी जी, आप बस मुझ पर भरोसा कीजिए, मेरी मम्मी जी के साथ कोई बेईमानी करके गहने रख ले ऐसे मैं नहीं होने दूंगी, मैं गहने लेकर आऊंगी। बस मम्मी जी, अब किसी और को इस बारे में मत बताइएगा। मैं जरा देख कर आता हूं। नहीं अमित, तुम मत जाना। नहीं, आप फिक्र मत कीजिए, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। लगता अमित आ गई। हे कन्हैया, फाल्गुनी, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? अरे तबीयत कैसी होगी किरण भाई, देखिए जरा, एक तो इनका बीपी इतना हाई है, नहीं तबीयत खराब है, ऊपर से एक नई परेशानी। क्या? अमिता सुनार के यहाँ गहने लेने गई थी लेकिन अब तक वापस नहीं आई। अमित, तूने उसे अकेले जाने कैसे दिया? नहीं पापा, वो मैं तो साथ में ही जा रहा था। क्या ये भी भूल गए थे? अमिता, अमिता कहाँ चली गई थी? ड्राइवर को वापस क्यों भेज दिया? किसी का फोन नहीं उठा रही, घर में सब इतने परेशान है। मैं वो अमिता, गहने कहाँ है? मुझसे गहने खो गए। ये नहीं हो सकता, गहने खो ही नहीं सकते। मम्मी जी, गहने मुझसे खो गए। मैं जब बाजार से घर जा रही थी अपने मम्मी पापा को पूजा का न्योता देने के लिए, तो ऑटो में गहने छूट गए। हाथ धोती, इतनी छोटी सी जिम्मेदारी नहीं संभलती तुमसे, इतनी बड़ी पूजा की जिम्मेदारी कैसे संभालोगे तुम? तुम रहने दो, तुमसे नहीं होगा। अमिता, अमिता तुम झूठ बोल रही हो। बेबी देखो, बता दो, कोई कुछ नहीं कहेगा तुमसे, बोल। काकी, जब अमिता कह रही है कि गहने ऑटो में छूट गए, तो फिर अमिता को कैसे पता होगा गहने कहाँ हैं? अमिता, आपको ऑटो का नंबर याद है? अमिता, अमिता ये तुम क्या कर रही हो? मम्मी जी, से बहुत बड़ी गलती हो गई। अमिता, पर सॉरी। गलती? तुझे ये गलती लगती है? तुझे मालूम है कि ये गहने सिर्फ सोना नहीं थे, मेरे बापूजी का आशीर्वाद थे, इसलिए हम उन्हें
लाला जी को पहनाते थे और तूने वो खो दिए। तुझे पता भी है कि उन गहनों की मेरे लिए क्या कीमत है? मैं पुलिस को कॉल करता हूं। हेलो, क्या मैं एसीपी सक्सेना से बात कर सकता हूं? जी सर, दरअसल बात यह है कि हमारे फोन को काट दिया तूने। पापा, जब गहने खो गए थे तब अमिता अपने घर पे थी। अगर हम पुलिस कंप्लेन करेंगे ना तो पुलिस वाले जाकर अमिता के घर वालों से सवाल जवाब करेंगे, छानबीन करेंगे। दामाद जी, ये अमित सही कह रहा है। अमिता, मेरी बात सुनो। मामा जी, आप कमरे पे जाके आराम करिए प्लीज। पर फाल्गुनी, अमिता सही कह रही है। जा। तुम्हें ना इस तरह अमिता को अकेले जाने ही नहीं देना चाहिए था। मैं चलता हूँ आपके साथ, ये मेडिसिन जरा मम्मी को देकर आता हूँ। आप वैसे ही मुझसे बात नहीं करते तो साथ में आकर क्या करेंगे? रहने दीजिए। अब सही करे पापा, गलती मेरी है। तेरी गलती मानने से मेरे गहने तो वापस नहीं आएंगे ना? कल पूजा है और गहने नहीं है। अब मैं एक बात बोलूं, एक्चुअली क्या है ना कि मेरी मॉम भी यही पूजा करती है, तो ऐसा करती हूँ कि अपने घर जाके गहने ले आती हूँ, अगर आप सबको ठीक लगे तो। रिया ठीक कह रही है, कल पूजा है और गहने तो चाहिए ही चाहिए। अरे बस ये पूजा सही हो जाए फिर पाना सब सही कर देगा। आपने कल मुझसे कहा था ना कि अमित मुझ में भरोसा क्यों नहीं करते, अभी आप खुद ही बताइए। कैसे करूं मैं आपके ऊपर भरोसा? जो आपने बार लापरवाही की ना कहने को लेकर, अमित आपकी लापरवाही आपकी आदत बनती जा रही है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि आप ये सब कुछ जानबूझकर करते हैं, है ना? आखिर एक इंसान इतनी सारी गलतियां कैसे कर सकता? आज आपकी यही गलती की वजह से पापा मुझसे फिर से नाराज हो गए। अमिता, तो आपने पापा जी से कहा क्यों कि मैंने आपसे मना किया था आने के? क्योंकि अमिता हमारे घर वालों के लिए हम आज भी वही पति पत्नी है जो एक दूसरे के लिए खड़े हो जाते। लेकिन नहीं, बस अमिता मैं भी थक चुका हूँ, मैं उम्मीद हार चुका हूँ, मैं समझ चुका हूँ कि हम दोनों का रिश्ता कभी भी सही नहीं हो सकता, कभी भी नहीं। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि यूएस जाने में इतने सारे दिन क्यों बचे। मेरा बस चले तो मैं आज और इसी वक्त यूएस चला जाऊं, इन सभी परेशानियों से दूर और खास करके आपसे दूर। बेचारे अमित की इज्जत पूरे परिवार वालों के सामने खराब करने की प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन उसके ढक्कन बीवी ने तो ऐसा बम फोड़ा है कि जिसके धमाके की आवाज कई दिनों तक गूंजती रही। पर मॉम, बहुत ही प्यारी बच्ची है अमिता। सीरियसली, वो आई घर में इसीलिए ताकि हमारा काम आसान कर सके। जस्ट इमेजिन मॉम, जो गहने आज उसकी वजह से खोए हैं उसके बदले नए गहने कल मैं अपने मायके से लेके आऊंगी।
वाव क्या सिचुएशन है। वैसे आपको क्या लगता है ऐसी सिचुएशन में राजा बेटर हुआ कौन सी साबित होगी? बस रिया बस, वो ऐसी बेवकूफियां करती रही तो धीरे धीरे किरिट भाई तो क्या बाप भी हमारी तरफ हो जाएंगे, और जब माँ बेटा दोनों हमारी मुट्ठी में होंगे तो बिजनेस तो क्या घर भी हमारी मुट्ठी में होगा। रियली अमिता ये सब क्या था, क्या था बाहर वो सब? मैं तुम्हें कह रही थी कि मम्मी जी पहले आप दवाई खा लीजिए फिर बात कर। दवाई? मुझे दवाई नहीं खानी, पहले मुझे ये बताओ जो तुमने बाहर किया वो क्यों किया? सारा इल्जाम अपने सर पर लेने की क्या जरूरत थी? पर तुमने मुझे किसी के सामने कुछ बोलने नहीं दिया और अब कह रही हो दवाई खाओ? मुझे नहीं खानी दवाई। मम्मी जी अब 25 सालों से इस घर की जिम्मेदारियां संभाल रही हैं, सबका ख्याल रख रही हैं, सबका ध्यान रख रही हैं, और आपने बहुत मेहनत की कि इस परिवार में इस घर में सब लोगों का दिल जीते, अपने लिए इज्जत बनाई और सम्मान बनाया, तो क्या एक गलती की वजह से आप अपनी इज्जत खो देंगी? नहीं ना। और अमिता तुम्हारा सम्मान उसका क्या? आज जो कुछ भी हुआ उसके बाद में सारे परिवार वाले यहां तक कि अमित तुम्हारे बारे में क्या सोचेगा इसके बारे में सोचा है तुमने? मम्मी जी वो गहने कीमती थे पर अगर उन्हें दोबारा बनाओ ना तो ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि यहां सोना ढला और वहां गहना बना। पर मम्मी जी भरोसे से बनाया और विश्वास ना कि सोने से भी कीमती, क्योंकि इसे सालों लग जाते बनाने में, और एक छोटी गलती की वजह से मैं परिवार के सामने अपनी मम्मी जी का भरोसा तो नहीं टूटने दे सकती ना। और रही बात मेरी, मैं तो इस घर में अभी नहीं आई हूं ना, मुझे ऐसे काफी मौके मिलेंगे कि मैं इस परिवार के दिल में अपने लिए जगह बना सकूं। ये परिवार वालों का दिल अब बहुत बड़ा, मैं जानती हूँ कि ये सब मुझे माफ कर देंगे जल्दी और ये सारी चीजें भूल जाएंगे। अच्छा अभी अब ये सब बात छोड़िए, मैं दवाई लेकर आती हूँ। इतनी छोटी सी उम्र तेरी अमिता और इतनी बड़ी बड़ी बातें। अमिता मैं आज एक बात विश्वास से कह सकती हूँ, बेटा मैं अपनी आंखें बंद करके जिंदगी भर तुम पर भरोसा कर सकती हूँ। अमिता मुझे ना हमेशा से एक बेटी चाहिए थी, आज ऐसे लगता है जैसे लालाजी ने मुझे मेरी बेटी दे दी। बेटा अगर आज मैं तुमसे एक चीज मांग लूं तो मुझे दे दोगी? हाँ मम्मी जी, आप ऐसे क्यों कह रहे? बोली मैंने आज तक तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया ना उसके लिए मुझे माफ कर दोगी? नहीं मम्मी जी, ये आप क्या कह रहे? नहीं रोना बंद। मम्मी जी हर माँ चाहती है कि उसकी बेटी हर परीक्षा में खरी उतरे, और आपने मेरे साथ जो भी किया मुझे जो भी कहा वो सिर्फ इसलिए ताकि मैं अपनी जिम्मेदारी समझ सकूं और अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से निभा सकूं, है ना? और आपने अभी कहा ना कि मैं आपकी बेटी हूं, तो क्या कभी भी एक माँ अपनी बेटी को फेल होने दे सकती है? नहीं ना, इसके लिए मुझे आपको थैंक यू बोलना चाहिए। थैंक यू।